बेरोजगारों को समाज सेवी प्रवीण कुमार ने दिया रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से उमा शंकर गिरी की रिपोर्ट। नए साल के शुभ अवसर पर प्रवीण कुमार समाज सेवी के सौजन्य से राम लखन राय मार्केट जमुनिया पुल नंद विहार चौक पर एक दाम की दुकान का आज फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वही समाज सेवी प्रवीण कुमार ने बताया कि समाज सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसी कड़ी में आज कई महीनों से बेरोजगार बैठे सकरा प्रखंड के सांघो पट्टी निवासी सुरेंद्र कुमार को इस दुकान के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया हूँ। साथ ही हमारा लक्ष्य है कि उत्तर बिहार के हर कोने में जो लोग बेरोजगार है उनको ऐसे ही दुकानों के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास आगे भी करूँगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आज इस उद्देश्य का पहला दुकान का उद्घाटन हुआ है। दुकान का शुभारंभ किया गया है, इस विषय में बताएं। सबसे पहले नववर्ष का सब भाइयों का, सब लोगों का जो समय अपना दिए यहाँ आने के लिए उन सभी को बधाई मेरे तरफ से। और मेरा उद्देश्य ये है कि समाज के लोगों को, जो बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि उन लोगों को मैं रोजगार दूं। और मार्केट में जो चीज़ मिल रहा है अपना, जैसे कि हमारा उद्देश्य ये है कि कंपनी का अपने पास जो प्रोडक्ट है सारा कंपनी का ही चलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ समाज के लोगों को जो है सस्ते रेटों में देने के काम किया जाएगा इस दुकान से। और इसी के साथ रोजगार भी जो है, जो बेरोजगार लोग हैं उनके एक रोजगार भी मिल जाएगा, यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक कितना दुकानें खुल चुकी है और कितना खुलने की आगे? ये अभी पहला दुकान है, यहाँ से हमने भी स्टार्ट किया है। बाकी और जगह बात हो रही है, और जगह दुकान हमने देखा है जहाँ काम हो रहा है दुकान का, जो कि बहुत जल्द सारे जगह स्टार्ट हो जाएगा। अपना परिचय बताएं। प्रवीण कुमार समाज से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।